उसके बाद जो आ जाती हैं, दीज आर द ग्लोबुलिन्स। और ग्लोबुलिन की कितनी टाइप होती हैं? α1, α2, बीटा एंड गैमा ग्लोबुलिन। ठीक है, तो जितनी भी ग्लोबुलिन्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी सिंथेसाइज होती हैं इन द लिवर एक्सेप्ट दिस गैमा ग्लोबुलिन। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये लिवर में सिंथेसाइज होती हैं, एक्सेप्ट दिस गैमा ग्लोबुलिन ये सिंथेसाइज होता है इन द बी सेल और प्लाज्मा सेल जो होते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ये चार तरह की प्रोटीन्स आ गई हैं। अब ये जो अल्फा वन ग्लोबुलिन होती हैं, इसकी एग्जांपल में पहली एग्जांपल आ जाती है अल्फा वन एंटी प्रोटीएज। ठीक है, ये जो अल्फा वन एंटी प्रोटीएज होती है ये क्या है? ये इनहिबिटर है। ठीक है, ये क्या है? इनहिबिटर। और ये किस किस के इनहिबिटर है? नंबर वन प्रोटीएज की। ठीक है, प्रोटीएज, ये सीरीन प्रोटीएज इनहिबिटर है। ठीक है, इसके अलावा इलास्टेज की इनहिबिटर है और ट्रिप्सिन की इनहिबिटर है। ठीक है, अब अगर हम इसकी एंटी प्रोटीएज की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें तो इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या आता है? इसकी अगर हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें तो ये क्या है? दिस इज एंटी प्रोटीएज। एंटी प्रोटीएज का क्या मतलब है? कि ये अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये इनको इनहिबिट करेगी तो हमारे पास जो लंग्स होते हैं, ठीक है, लंग्स के अंदर ये एंजाइम पाया जाता है विच इज़ कॉल्ड एज इलास्टेज। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन होती है एंटी प्रोटीएज, इसने इस इलास्टेज को इनहिबिट किया हुआ होता है। ठीक है, इनहिबिटेड बाय अल्फा वन एंटी प्रोटीएज। ये प्रोटीन इसको इनहिबिट करके रखती है ताकि ये एंजाइम जो है वो लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं उनको डाइजेस्ट ना करें। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये प्रोटीन डेफिशिएंट होगी तो क्या होगा कि ये इलास्टेज एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये लंग के टिश्यू को क्या करेगा? डाइजेस्ट कर लेगा और रिजल्टेंट क्या होगा? एम्फाइसीमा। ठीक है, एम्फाइसीमा होगा। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल आ जाती है, ठीक है, वो क्या है? दैट इज अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये जो प्रोटीन होती है ये एक्यूट इन्फ्लामेशन में रेज हो जाती है। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लामेशन में इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा ये प्रोजेस्टेरोन जो है उसको ट्रांसपोर्ट करती है इन ब्लड। ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरोन ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या करती है कि जिस साइट पे इंजरी होती है, ठीक है, उस साइट पे क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट्स को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कार्ब्स टू इंजरी साइट। ठीक है, ये इसके फंक्शंस आ जाते हैं। इसका लेवल रेज कब हो रहा था? एक्यूट इन्फ्लामेशन में या फिर मेलिग्नेंसी हो, मेलिग्नेंसी में भी इसका लेवल रेज हो जाता है। ठीक है, और इसका लेवल कम कब होता है? जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा कि प्रोटीन यूरिन के अंदर लॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती है प्रोटीन, जो अल्फा वन प्रोटीन की एग्जांपल आ जाती है, दैट इज अल्फा वन फीटो प्रोटीन। ये जो अल्फा वन फीटो प्रोटीन होती है ये फीटस के अंदर, जो फीटल ब्लड होता है उसके अंदर होती है। ठीक है, तो इसका लेवल रेज कब होगा? प्रेगनेंसी में। ठीक है, प्रेगनेंसी में फीटल ब्लड के अंदर जो है ये फीटो प्रोटीन पाई जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में इसका लेवल रेज होगा। और सेकंड, इसका लेवल कब रेज होगा? जब कोई कार्सिनोमा हो, खासकर हेपेटोसाइट
का कोई कार्सिनोमा हो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है अल्फा टू ग्लोबुलिन, और अल्फा टू ग्लोबुलिन में पहली जो एग्जांपल है दैट इज हेप्टोग्लोबिन। हेप्टोग्लोबिन जो है ये जो एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन होता है उसको बाइंड करती है। अब एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कौन सा हीमोग्लोबिन होता है? जब आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है तो हीमोग्लोबिन उसमें से रिलीज हो जाता है, यानी एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर मीन आउटसाइड द आरबीसीज जो हीमोग्लोबिन होता है। तो ये प्रोटीन जो होती है ये उस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। क्यों, क्या होता है कि जब हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है तो जब वो किडनी में फिल्टर होगा ब्लड, तो हीमोग्लोबिन किडनी से फिल्टर आउट हो जाता है और वो फिर बाद में प्रेसिपिटेट होता है किडनी के अंदर, ठीक है, जो आगे ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके अंदर प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ये प्रोटीन जो होती है ये इस हीमोग्लोबिन को बाइंड करके रखती है ताकि ये किडनी के अंदर ना जाए, ठीक है। अब जब ये प्रोटीन फ्री होगी तो इसका जो लेवल होता है, मतलब इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 5 डेज होती है ब्लड के अंदर, लेकिन जब ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी तो इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो कम हो जाती है। जैसे ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी फौरन से ये लीवर में जाएगी और वहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है वो दोबारा से यूज़ हो जाएगा। तो जब हमारे पास हीमोलिटिक अनीमिया होता है, ठीक है, हीमोलिटिक अनीमिया में इसका लेवल कम हो जाएगा। हीमोलिटिक एनीमिया में इसका लेवल क्यों कम होगा? क्योंकि हीमोलिटिक एनीमिया में हीमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो ये प्रोटीन जो है ये इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी और फौरन से ये प्रोटीन कहाँ चली जाएगी लीवर में, ठीक है। तो जब ये लीवर में जाएगी तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन या ज़्यादा प्रोटीन इसके साथ बाइंड करेगी, तो एज अ रिजल्ट ब्लड के अंदर इसका लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हीमोलिटिक एनीमिया में ये कम हो जाती है। उसके अलावा इसका लेवल इंक्रीज कब होगा? जब बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होगी तो इसका लेवल ज़्यादा होगा। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल आ जाती है अल्फा टू ग्लोबुलिन की, दैट इज सेरुलोप्लाज्मिन, ठीक है। इस ये जो प्रोटीन होती है इसके अंदर 6 कॉपर एटम होते हैं, ठीक है, और ये कहाँ पे बनती है? लीवर में बनती है। और कैसे बनती है? इसकी जो इनिशियल फॉर्म होती है दैट इज एपो सेरुलोप्लाज्मिन, ठीक है, ये इसकी फॉर्म होती है। तो जब इसके अंदर एडिशन होती है कॉपर की, ठीक है, जब कॉपर एटम्स ऐड होते हैं इसके अंदर तो फिर ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू द सेरुलोप्लाज्मिन। और ये प्रोटीन जो होती है ये एक्ट करती है एज एन एंजाइम, ठीक है, 3 एंजाइम्स के तौर पर एक्ट करती है, फेरोक्सीडेज, ठीक है, जो कि आयरन की कन्वर्जन करवाता है, ठीक है, सेकंड कॉपर ऑक्सीडेज, ठीक है, और थर्ड हिस्टामिनेज एंजाइम के तौर पर एक्ट करती है, ठीक है। तो ये इसके 3 रोल आ जाते हैं। इसका जब सेरुलोप्लाज्मिन का लेवल कम हो जाए तो उस डिसऑर्डर को कहते हैं विल्सन डिसऑर्डर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये वाला जो इसका एक्टिविटी होती है ना, कॉपर ऑक्सीडेज वाला जो इसका फंक्शन होता है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से कॉपर मेटाबॉलिज्म जो है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। अब इसके लेवल कम क्यों हो सकते हैं? उसके कॉजेज भी अगेन क्या क्या होंगे इसके लेवल कम होने के? अगर लीवर सिरोसिस है इसकी वजह से कम हो गए, मेल न्यूट्रिशन है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ठीक है, इन सब की वजह से इसके लेवल कम हो सकते हैं, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, लीवर की सिरोसिस हो, मेल न्यूट्रिशन हो, इन सब की वजह से इसके लेवल कम हो सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बीटा ग्लोबुलिन। बीटा ग्लोबुलिन में जो पहली बीटा ग्लोबुलिन है दैट इज ट्रांसफेरिन, ठीक है। ट्रांसफेरिन का क्या काम होता है? ये आयरन को ट्रांसपोर्ट करती है गट से टू द ऑर्गन, जहाँ जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल बोन मैरो में, वहाँ पे क्या हो रही है? एरिथ्रोपोइसिस हो रही है, ठीक है।
तो वहाँ पे इसकी ट्रांसपोर्ट करवाती है। सेकंड क्या आ जाती है, अच्छा ट्रांसफेरिन जो है इसका लेवल इंक्रीज कब होगा, जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। अब इसका लेवल इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि अब बोन मैरो को जो है या इरेथ्रोपोइसिस हो रही है वहाँ पे आयरन चाहिए, बॉडी को अब आयरन चाहिए, लेकिन आयरन डेफिशिएंट है, ठीक है, हमारी डाइट के अंदर ही आयरन कम है, तो इसका लेवल ब्लड के अंदर रेज होगा ताकि मैक्सिमम आयरन को ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है। और इसके अलावा इसका लेवल जो होता है वो प्रेगनेंसी में भी रेज होता है, ठीक है। और कम कब होगा, क्योंकि ये भी जो है बीटा ग्लोबुलिन, ये भी कहाँ पे सिंथेसाइज हो रही है, लीवर के अंदर। तो अगर लीवर की सिरोसिस होगी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगी या कोई ट्रॉमा होगा, तो उसमें इसके लेवल कम हो जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल आ जाती है बीटा ग्लोबुलिन की, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, ठीक है। सी रिएक्टिव प्रोटीन्स जो हैं ये, इसका लेवल कब रेज होता है, जब इन्फ्लामेशन होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। जब बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होगी तो ये सी रिएक्टिव प्रोटीन्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इनका रोल होता है इन इन्फ्लामेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल आ जाती है दैट इज हीमोपैक्सिन। हीमोपैक्सिन जो है ये हमने पीछे देखा था कि जब हीमोग्लोबिन जो है वो रिलीज हो